नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे TCS पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर आबीयू को डिस्कस करने वाले हैं। आबीयू जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मैथ्स में, और हम लोग यहां पर देखेंगे कि आबीयू पर किस आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आपको बता दें, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है समानता पर। अभी हम लोग समानता पर देखेंगे क्वेश्चन। समानता पर देखिए किस तरह का क्वेश्चन आता है। पहला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जैसे लिखा हुआ है एक्स वाई, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और 4, और यहाँ पर दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 और 3 लिखा हुआ है, यहाँ पी और क्यू लिखा हुआ है। अगर ये दोनों आबीयू समान हैं, अर्थात इनके क्रम समान होंगे, तभी ये आबीयू समान होंगे। बराबर करने पर तभी ये समान होंगे जब इनके क्रम समान होंगे। अगर इनके क्रम विषम है तो इन आबीयू को समान आबीयू नहीं कहा जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका मान क्या होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनकी पोजिशनल वैल्यू है। x का मान यहां पर 1 हो जाता है, y का मान यहां पर 3 हो जाता है, p का मान यहां पर 3 हो जाता है, और q का मान यहां पर 4 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये बेसिक क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस तरह से समानता के आधार पर क्वेश्चन आ जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी समानता पर है, लेकिन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो, 2 लिखा है, 1, 3, 0 और एक्स लिखा हुआ है, और इसको प्लस करके देखिए इस तरह से दिया गया है। प्लस करके आपको दिया गया है y0, 1, 2 और इसका जो मान है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है 5, 6 and 1, 8। यहाँ पर ये समानता का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें सबसे पहले कि जब भी आबीयू के अंदर किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये आबीयू के प्रत्येक अवयव के साथ गुणन्वय आता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करके दिखाते हैं। इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 0, 1 और 2। यहाँ पर आप सिमिलरली जैसे ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 5, 6, 1, 8, इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, तो ये फाइनली हो जाएगा क्या, y प्लस 2 हो जाएगा। इस जगह पर 6 और 0 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 और 1 लिखेंगे तो 1, 2x प्लस 2 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर दी हुई है 5, 6, 1 और 8। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं y प्लस 2 बराबर आपका दिया हुआ है 5। पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ से y का मान आ जाता है 3। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस 2 बराबर 8। इसका अगर पक्षांतर करें और सॉल्व करें तो यहाँ पर जो x का मान आता है ये हो जाता है 6/2, काटने पर आ जाता है 3। तो फाइनली आंसर आपका यहाँ से आ जाता है x = 3 और y = 3। तो चलिए ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको करके ही जाना चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में समानता पर पूछे जाते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप देख कर जाइएगा जरूर। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन आपको कम से कम 2 से 3 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में देखने से मिल सकता है। तो चलिए ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा NCERT में अगर आप देखेंगे जाकर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा A बराबर आपको दिया होगा एक आबीयू आई जे के फॉर्म में, और जहाँ पर इस ए आई जे का मान आपको दिया गया होगा। ए आई जे का जो मान होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2i-3j के फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर 2×3 का एक आबीयू ज्ञात करना होगा, क्योंकि ये मान आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्रम इसका दिया हुआ है 2×3 ये इस तरह से दिया जाएगा और आपको यहाँ से इसका मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर एक 2a आबीयू लिखें और इसकी पोजिशनल वैल्यूज़ लिखें जो कि 2×3 के फॉर्म में है, तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी a11, a12, a13, इसी तरह से a21, a22 और a23। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2×3 का आबीयू है। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स के अभी हम लोग वैल्यूज़ काउंट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग a11 की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास aij का मान है, तो aij के मान में हम लोग 2×1 रखेंगे, -3×1 रखेंगे, और फाइनली 2-3 = -1 आ जाता है। इसी तरह से a
ए वन टू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टू इंटू आई का मान वन है, इंटू थ्री इंटू जे का मान टू है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस का फोर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग ए वन थ्री को काउंट करेंगे, यहाँ पर टू इंटू वन हो जाता है, माइनस थ्री इंटू थ्री हो जाता है, कैलकुलेट करें टू माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस का सेवन आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसी तरह से हम लोग यहाँ पर टू वन को कैलकुलेट करेंगे तो टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू वन इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस का वन आ जाता है। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, टू टू को कैलकुलेट करेंगे टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू टू करेंगे तो ये फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस का टू आ जाता है। इसी तरह से टू थ्री को कैलकुलेट करें तो टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू फोर माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस का फाइव। अब इस तरह से अब इस सारणी का अगर हम मान लिखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी पोजिशनल वैल्यूज़ को लिखते हैं, ए वन वन की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस का वन, उसके बाद ए वन टू की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस का फोर, इसी तरह से ए वन थ्री की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस का सेवन, इसी तरह से हम लोग ए टू वन की जगह लिख सकते हैं वन, ए टू टू की जगह लिख सकते हैं माइनस का टू, और सिमिलरली ए टू थ्री की जगह लिख सकते हैं माइनस का फाइव। तो इस तरह से हमको एक टू क्रॉस थ्री का आव्यूह प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरूर इस तरह के क्वेश्चंस करके जाइएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और वो आसानी से आप वहां कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका समीकरण पर बेस्ड आता है, जैसे आपको एक समीकरण दिया जाएगा, जैसे दे दिया गया एक्स प्लस वाई, और यहां पर एक छोटा सा अभियुज है टू क्रॉस टू का या थ्री क्रॉस थ्री का आपको दे देगा और आप आसानी से उसको कर सकते हैं। जैसे इस अभियुज का मान दे दिया गया सेवन जीरो टू और फाइव, यहाँ दे दिया गया, क्या दे दिया गया सेवन जीरो टू और फाइव। सिमिलरली आपको यहाँ पर एक एक्स माइनस वाई का आव्यूह दे दिया जाएगा, ये टू क्रॉस टू का एक आव्यूह है सिंपल सा, तो अगला आव्यूह भी टू क्रॉस टू का ही होगा, ये डेफिनेट है। तो यहाँ पर दे दिया गया थ्री कॉमा जीरो जीरो कॉमा थ्री, ये भी टू क्रॉस टू का आव्यूह है। ये दोनों जब तक क्रम समान नहीं होंगे आप ना तो समीकरण को जोड़ सकते हैं और ना ही समीकरण को घटा सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग बना लेते हैं, ये समीकरण नंबर एक हमारा हो जाता है, ये हमारा समीकरण नंबर दो हो जाता है। अब आप लोग समीकरणों को हल करना तो जानते ही हैं क्योंकि हाई स्कूल में आप लोगों ने मैथ्स करी है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई एक प्लस में है एक माइनस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनको जोड़ने पर। तो समीकरण एक और दो को जब जोड़ देते हैं तो देखिए वाई से वाई कट जाता है और ये हो जाता है फाइनली टू एक्स, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो पोजिशनल वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं एट, तो सात और तीन हो जाता है 10, इसी तरह से 0 और 0 हो जाता है 0, यहां हो जाता है 2 और 0 मिलकर 2, यहां 3 और 5 मिलकर हो जाता है यहां पर 8। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को देखिए और आगे बढ़ते हैं और यहां सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से x बराबर अगर हम लोग करना चाहें तो यहां पर क्योंकि 2 बाहर है और जब 2 अंदर जाता है तो सब में भाग करता है, और यहां पर ये कैलकुलेट हो जाता है 5, और यहां पर ये हो जाता है 0, यहां पर हो जाता है 1, और 2 से जब 8 में भाग देते हैं तो ये हो जाता है 4। इस तरह से हमारा x का मान आ जाता है। अब इस x के मान को अगर हम चाहें तो समीकरण एक या दो किसी में भी रखकर हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, समीकरण एक में x का मान रखने पर। चलिए अब यहां पर हम x का मान अगर समीकरण एक में रखना चाहें तो x की जगह क्या हो जाता है हमारा 5 0 1 और 4, इसी तरह से यहां पर y है, और फाइनली यहां पर क्या लिखा हुआ है 7 0 2 एंड 5। इस तरह से हम लोग अगर y का मान निकालना चाहें तो इसका पक्षांतर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7025, और माइनस में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 0 1 और 4। इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो y का जो मान है हमारा आ जाता है, देख सकते हैं हम लोग, 7 में से 5 जाएगा 2, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, और 5 में से 4 जाएगा 1। इस तरह से हमारा x और y का मान कैलकुलेट हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस लगा के जाना है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हम आपको बता दें, अगला क्वेश्चन हमारे ए डैश और बी डैश पर आधारित है, वो पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर अगर आपको दिया गया हो, यदि
यदि दिया गया हो ए बराबर एक वैल्यू दी जाएगी कि एक आव्यूह आपको ए दिया गया है और इस ए का मान देखिए कुछ इस तरह से हमने जो क्वेश्चन को मेंशन किया है वो विषम ऑर्डर में किया है क्योंकि सम ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते भी होंगे लेकिन जो विषम ऑर्डर का क्वेश्चन है उसको करना काफ़ी टेक्निकल होता है। तो हम देखिए उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 2 4 -1 यहाँ लिखा है 2 4 -1 और इसकी जो दूसरी लाइन है वो है -1 0 और आपका 2। तो इस तरह से हमारा ये जो 2 × 3 का एक आव्यूह आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक बी है। अगर हम बी की बात करें तो अगर हम मान लेते हैं बी हमारा कैसे दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, -1 और 2 दिया हुआ है। ये क्योंकि ये 2 × 3 का है तो इसका जब भी मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा 3 × something से होगा, चाहे 3 × 4 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप 3 × 2 से करा लीजिए या 3 × 1 से करा लीजिए। क्योंकि हमको एक अभी हम रूल आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन पहले हम कॉपी कर लें उसके बाद फिर हम आपको एक नया रूल बताते हैं जिस रूल के तहत ही मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज इसका गुणन संभव नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग बेसिकली लिख लेते हैं 4 2 और 1, ये आपका देख सकते हैं ये 3 × 2 का एक आव्यूह है। तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है वो आपको बता देते हैं कि जब भी 2 × 3 का मल्टीप्लाई होना है, जब भी 2 × 3 है तो ये हमेशा 3 × 3, 3 × 2, 3 × 1 या 3 × 4 या एंड सो ऑन इस तरह के मल्टीपल से। क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू, कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए पहला आव्यूह है तो पहले आव्यूह का जो कॉलम होता है वो दूसरे आव्यूह के कॉलम के समान ही होना चाहिए, अदरवाइज ये गुणन संभव नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा लागू होती है कि जो पहला वाला आव्यूह है उसका जो है कॉलम हमेशा दूसरे वाले के कॉलम के रो के क्या होना चाहिए, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के हमेशा क्या होना चाहिए, समान। अगर ऐसा होता है तभी गुणन संभव है, अदरवाइज गुणन संभव नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहां पर हमको सॉल्व क्या करना है, यहां पर हमको बेसिकली सॉल्व ये करना है कि हमारा जो ए बी का होल डैश है वो हमेशा बी डैश इंटू ए डैश के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली चलिए हम यहाँ पर इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी जब भी निकालेंगे हम लोग पहले इन दोनों को लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 4 -1, यहाँ लिखेंगे -1 0 और 2। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा आव्यूह अगर हम लिखें तो दूसरे आव्यूह को हम लोग लिखेंगे 3 -1 2 और यहाँ पर लिखेंगे 4 2 और 1। जब भी इसका गुणा करेंगे इसके क्रम को जरूर देख लेंगे, बिना क्रम को देखे हम गुणा नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 × 3 का और यहाँ लिखा हुआ है 3 × 2 का। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों अगर सेम है तो निकल कर इस वाले की रो आएगी और इस वाले का कॉलम, यानी कि जो हमको प्राप्त आव्यूह होगा वो हमेशा 2 × 2 का यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ इसका देखिए, इसका पहले हम इसको लेंगे और इस वाले के प्रत्येक अवयव के कॉलम के साथ हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर, देखिए इस 2 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे तो 2 × 3 = 6 लिखेंगे, प्लस इस 4 का गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 लिखेंगे, इस -1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगले वाले अवयव की तरफ बढ़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस वाले के साथ करेंगे तो 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, -1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। सिमिलरली अब इसको उठाएंगे, इस वाले को, इस वाली रो को उठाकर इस वाले के कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो -1 का करेंगे तो -3 हो जाएगा, 0 का इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का इससे करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये -4 और +0 और +2। तो यहाँ देखिए एक 2 × 2 का एक आव्यूह मिलेगा। अभी इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, हम लोग बताते हैं क्या आया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको 8 8 16 -1 यानी कि 15 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा -2 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से पुनः हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं और देखते हैं कि ए डैश और बी डैश का एग्जैक्टली मान क्या होता है। तो देखिए ए डैश को अगर हम लोग निकालें तो ए डैश रो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रो में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 4 -1 और यहाँ पर -1 0 और 2, तो ये हमारा 2 × 3 के बजाय 3 × 2 का भी बन जाता है। सिमिलरली बी डैश की अगर बात करें तो ये वाला देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 - 1 और 2 हो जाता है, 4 2 और 1 हो जाता है और ये अभी वो आपका 2 × 3 का हो जाता है। तो सिमिलरली अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ देख सकते हैं बी डैश इंटू ए डैश, क्योंकि हमको प्रूफ करना है तो हम यहाँ इसी क्रम में इसको लिखते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, 3 - 1 और 2,
चार दो और एक, और इसका गुणन किससे करेंगे हम लोग देख सकते हैं, इसका गुणा हम लोग इसी क्रम में करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है दो चार और माइनस एक, यहाँ माइनस वन जीरो और टू, तो देखिए ये टू क्रॉस थ्री का है और ये थ्री क्रॉस टू का है, तो फाइनली हमको एक वो मिलेगा टू क्रॉस टू का। देखिए इसी तरह से इसमें रो और कॉलम इसमें भी कवर करते हैं। ये एक हम सिंबल बना लेते हैं पहले वाले डिजिट को समझने के लिए। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं सामने सामने के अवयव से। तो ये तीन दूनी क्या हो जाता है, छः हो जाता है, माइनस का क्या हो जाता है चार, और माइनस का क्या हो जाता है दो। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का हो जाता है तीन, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है ज़ीरो, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है चार। ठीक इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का इससे, तो ये हो जाएगा चार दूनी आठ, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा चार दूनी आठ, और ये हो जाएगा माइनस का वन। ठीक इसी प्रकार से इसको उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का चार और प्लस का जीरो और प्लस का टू। अब इसको देखिए कैलकुलेट करते हैं वैल्यू क्या आती है, यहाँ देख लेते हैं पहली वैल्यू आ गई जीरो, अभी यहाँ जाएगा वन, यहाँ कितना आ जाएगा आठ आठ सोलह माइनस वन यानी कि पंद्रह, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का दो। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा b डैश इंटू ए डैश का मान आ गया है, इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण दो। अब यहाँ पर देखिए b डैश a डैश, सॉरी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ab लिखा हुआ था, इसको हम लोग ab का होल डैश अगर करें तो ये संख्याएं बदल जाती हैं, ये जीरो पंद्रह वन और माइनस टू, इसको हम लोग समीकरण एक ना बनाकर इसको समीकरण एक बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ab का होल डैश b डैश और a डैश के क्या हो जाता है बराबर, इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है यहाँ पर प्रूव्ड। तो चलिए ठीक है, इस तरह इसी क्रम में हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जहां पर काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वहां पर आपको एक इनवर्स निकालने के लिए आप यू में पूछा जाता है, और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो वेटेज है कम से कम पांच नंबर और अधिकतम आठ नंबर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जहां पर आपको दो तरीके से इनवर्स निकालने के लिए पूछा जाता है, एक आपका है प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके और दूसरा है आपका सारणी का प्रयोग करके। तो हम लोग यहाँ पर दोनों को देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें क्योंकि बोर्ड के क्लासेस में आप लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो बेसिकली हम आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दें कि आपका जो इन्वर्स का क्वेश्चन है उस पर आप लोग ज़रूर फोकस करके जाइएगा। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अलावा हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी यहाँ पर देने वाले हैं, इसलिए सारी की सारी चीज़ें आप लोग एक एक करके कवर करिए। तो सबसे पहले यहाँ ये अभी पूछा जाता है वन वन टू, वन माइनस वन और वन, और एक और है लाइन वन वन और माइनस का वन। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, और ये क्योंकि अभी ए का मान दिया हुआ है तो ए इनवर्स का मान जब आप निकालते हैं तो ये काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक संक्रिया का यूज जब आप करते हैं तो बहुत सारी ऑपरेशंस वहाँ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जैसे या तो आपको रो लेकर चलना है या तो आपको केवल और केवल कॉलम लेकर चलना है, क्योंकि यह सारणी का क्वेश्चन नहीं है इसलिए एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगी, या तो आप केवल रो को लेकर चलेंगे या तो केवल कॉलम को लेकर चलेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सारणिक का होता तो आप चाहे रो को ले सकते थे चाहे आप कॉलम को ले सकते थे। फिलहाल हम यहां पर जो ए इनवर्स का मान है वो आपको हम सारणिक विधि से हल करना सिखाते हैं, क्योंकि वहां पर बोर्ड के क्वेश्चंस में कभी कभी लिख कर आता है और कभी कभी नहीं लिख कर आता है। इनकेस आपको लिख कर नहीं आता है तो आप बहुत ही आसानी से ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक सारणिक में परिवर्तित कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसको ये एक सारणिक है, वन वन और टू लिखा हुआ है, इसी तरह से वन माइनस वन और वन लिखा हुआ है, वन और माइनस वन। तो सारणिक का मान जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमने अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में जब हम शुरू से वीडियोज़ बनाएंगे तो वहाँ पर जो नए बच्चे हैं उनको सारणिक सॉल्व करने के बहुत सारे ट्रिकी मेथड्स हम बताते हैं, वहाँ पर वो लोग उसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक पेंसिल से वन वन और टू बना लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन वैल्यूज ऊपर की हैं, इन तीनों वैल्यूज के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं सारणिक को हल करते हैं। तो सबसे पहले वन लिखते हैं, तो हम देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां आएंगे, यहां से क्या करते हैं सॉरी, जब हम इस तरह का मान लिखते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है माइनस का वन, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ, तो इसका इसका जब मल्टीप्लाई पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं फिर इन दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस वन हो जाता है प्लस वन, और बीच में क्या करते हैं एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन, फिर यहाँ पर दूसरी वैल्यू के साथ माइनस लिखते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, माइनस वन और वन का मल्टीप्लाई माइनस वन होता है, वन और टू का मल्टीप्लाई बीच में माइनस तो माइनस टू होता है। इसी तरह से हम लोग इसको वन को
लिखते हैं, फिर से 1 लिखते हैं, और इसके बाद क्योंकि यहाँ पहुँच गए हैं ये वैल्यू यही है, यहाँ से यहाँ आते हैं 1 1, यानी 1 हो जाता है गुणा करने पर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 2 होता है, क्योंकि माइनस पहले से होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये तो वैल्यू हो जाती है 1 - 1 यानी कि 0, इस वाले वैल्यू को -1 और ये माइनस का 3 हो जाता है, इसी तरह से ये 2 1 3 प्लस का 3 हो जाता है, तो फाइनली इसका जो मान आता है 3 और 3, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3 टोटल आ गया प्लस का 6। तो इस तरह से हमको मॉड ऑफ a का मान जो मिल जाता है वो a आ जाता है। अब इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर एक सह गुणनखंडज अभी तैयार करेंगे और वहाँ से हम लोग एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। सह गुणनखंडज का जो परिवर्त होता है वही एडजॉइंट ऑफ a होता है, और हमको क्योंकि a इनवर्स का मान निकालना होता है तो ये a इनवर्स का जो मान है वो एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a यही होता है। तो हम लोग अभी यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख लेते हैं, मॉड ऑफ a का मान जो आया है हमारा आया है टोटल 6। मॉड ऑफ ए के बाद हम लोग अब यहाँ पर शुरू करते हैं, क्योंकि हमको एक सह गुणनखंडज अभी बनाना है, तो इसको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं। जिन लोगों को कॉपी करना है इसे, वो पाउस करके इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है और लिख सकता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग सह गुणनखंडज अभी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सह गुणनखंडज अभी के बारे में बता दें कि जो सह गुणनखंडज अभी होगा उसको हम अभी फिलहाल बी मान लेते हैं, और बी मानने के बाद ये हम अभी को इसी तरह से लिख लेते हैं। जो अभी हमको दिया गया है सह गुणनखंडज अभी में, a11 होता है, ये a12 होता है, a13 होता है, a21, a22, a23, A31, A32 और A33, ये आपका सह गुणनखंडज अभी होगा। अभी फिलहाल हम आपको निकालना सिखाएंगे कि कैसे A11 का मान निकाला जाता है। तो A11 का मान निकालने के लिए यहाँ लिखते हैं -1, और जो ये 1 1 है इसकी पावर्स को यहाँ ऐड किया जाता है, और अंदर अभी में इस वैल्यू को छोड़कर बाकी ये सारी वैल्यूज लिखी जाती हैं। तो ये आप सबको बेसिक क्लासेस में सिखाया गया होगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये -1 होगा, 1 होगा, 1 और -1, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सह गुणनखंडज अभी हमको निकालना है। तो अभी फिलहाल सारणिक का मान निकालेंगे, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो पावर हो जाएगी प्लस, प्लस का 1, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 1 - 1 यानी कि ये माना जाएगा 0। इसी तरह से a12 की बात करें तो -1 की पावर हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2, और अभी के अंदर देखिए क्योंकि इसके सापेक्ष हमने लिखा तो ये वैल्यूज ऐसे निकाला जाता है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके सापेक्ष देखेंगे तो ना तो इसको लेना है ना तो इसको लेना है, तो फाइनली ये आ जाएगा 1 और 2, यहाँ से आ जाएगा 1 और -1, और यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ जाएगी -1, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा -1 और -2, तो सॉल्व करेंगे -3 यानी कि +3 लिख सकते हैं। इसी तरह से a13 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 3, और पर अगर आव्यूह की बात करें या सारणिक जो छोटा सा सहखंडज हमको लिखना है वहां पर, क्योंकि इस वैल्यू के सापेक्ष ले रहे हैं तो ना तो ये लेना है ना तो ये, तो फाइनली आ जाता है 1 और -1 2 और 1। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 3 और 1 4 हो जाता है, तो यानी कि +1 यहां पर आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 1 - 2 2 +2 यानी कि +3 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आगे की वैल्यूज को कैलकुलेट करें यानी कि a21 को कैलकुलेट करें तो यहाँ लिख सकते हैं -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ पर अगर सारणिक की बात करें जो छोटा सारणिक होता है जिसको हमको निकालना होता है उसकी बात करें, क्योंकि हम लोग इस पर हैं तो हमको ध्यान देना है ना तो ये वैल्यू लेनी है ना तो ये पूरे बीच वाले, ये और ये कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 1 और 1 आएगा, 1 और -1 आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्योंकि पावर 3 है तो माइनस में ये वैल्यू आएगी, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -1 और -1 और -1 - 1 - 2 होता है, और फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं +2। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2 2, तो यहाँ लिख सकते हैं -1 की पावर 2 + 2, और जो सारणिक का मान होगा क्योंकि इस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ना तो ये आएगा ना तो बीच, तो इसको 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 और इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 2 1 और -1, और इसको कैलकुलेट करें क्योंकि पावर इवन है तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, और इसको कैलकुलेट करें तो -1 और -2, फाइनली आंसर आ जाएगा -3। इसी तरह से a23 की बात अगर करें तो -1 की पावर 2 + 3 करते हैं, और सारणिक के अंदर क्योंकि ये मान लिख रहे हैं तो ना तो ये लिखा जाएगा ना तो ये, तो फाइनली ये और ये आ जाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 1 2 और 1, इसको कैलकुलेट करते हैं
ऑड पावर है, माइनस में वैल्यू आएगी माइनस वन और अंदर आ जाएगा एक इकन्ना में एक, माइनस का दो, माइनस वन और वन ये हो जाता है प्लस का वन। इसी तरह से ए थ्री वन की बात अगर करें तो माइनस वन की पावर आ जाती है थ्री प्लस वन, और जो सारणिक का मान आता है क्योंकि इस वाले एलिमेंट के लिए हम लोग देख रहे हैं तो इस वाले एलिमेंट में ना तो ये लिखा जाएगा ना तो ये, तो फाइनली हो जाता है वन और माइनस वन, वन और माइनस वन, वन और वन। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं सारणिक को तो क्योंकि ये इवन पावर है तो वैल्यू हमेशा प्लस में होगी और ये मान होगा एक इकन्ना में एक, माइनस माइनस प्लस का एक और फाइनली हो जाता है प्लस का टू। ठीक इसी प्रकार से ए थ्री टू की बात करें तो माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू देखेंगे और सारणिक का जो मान होगा इसके सापेक्ष ना तो ये लिया जाएगा ना तो ये, तो फाइनली ये आ जाता है वन वन, वन और वन, वन 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 वन। इसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि माइनस में है वैल्यू, ये भी हो जाता है वन माइनस वन यानी कि फाइनली वैल्यू आ जाती है जीरो। इसी प्रकार से ए थ्री थ्री की वैल्यू लिखते हैं, माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री और मॉड के अंदर अगर देखें तो ये वैल्यू लेनी है ना तो ये लेनी है ना तो ये, तो फाइनली ये दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं वन 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 और माइनस का वन, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं इवन पावर है तो प्लस में वैल्यू आएगी एक इकन्ना में एक माइनस का, एक इकन्ना में एक माइनस का, फाइनली टोटल आ जाता है माइनस का वन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा मान आया है सहखंडज की जगह पर वो क्या आया है, इसको हम लोग सहखंडज आव्यूह बोलेंगे। सहखंडज आव्यूह काफ़ी क्वेश्चन में केवल सहखंडज आव्यूह निकालने के लिए आता है, तो यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं सहखंडज आव्यूह में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सहखंडज आव्यूह है। इस सहखंडज आव्यूह का मान यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जो मान आया है ए वन वन की जगह आया है जीरो, ए वन टू की जगह आया है थ्री, ए वन थ्री की जगह आया है थ्री, इसी तरह से ये सारे मान लिख लेते हैं। ये आ गया टू, ये आ गया माइनस का थ्री, ये आ गया वन, ये आ गया टू, ये आ गया जीरो और ये आ गया माइनस का टू। इस तरह से हमारा ये सहखंडज आव्यूह मिल जाता है। ये मेथड है सहखंडज आव्यूह निकालने का। अब इसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं, और इसको इरेज करने के बाद क्योंकि हमको सहखंडज आव्यूह मिल गया है तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हम आपको बता दें ये जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है इसी बी का परिवर्त आव्यूह, बी का ट्रांसपोज होता है, यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो जाती है जीरो थ्री थ्री, टू माइनस थ्री और वन, टू जीरो और माइनस टू। इस तरह से हमको एडजॉइंट ऑफ में ए मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देखिए ए इनवर्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का मान एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। तो फाइनली हम देखिए मॉड ऑफ ए का मान कितना आया है हमारा सिक्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वन अपॉन सिक्स, और आव्यूह के अंदर, आव्यूह के अंदर हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं। आव्यूह के अंदर देख लीजिए क्या आ जाएगा, जीरो टू टू थ्री माइनस थ्री और जीरो, यहाँ थ्री वन और माइनस टू। अब इसको अगर मल्टीप्लाई आप करना चाहें, ए इनवर्स का मान डायरेक्ट निकालना चाहें पूरा फुल आव्यूह लिखकर, तो यहाँ देखिए सिक्स से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा टू बाई सिक्स यानी वन बाई थ्री, ये भी वन बाई थ्री, इसको सॉल्व करेंगे वन अपॉन टू, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का वन अपॉन टू, इसको जीरो, इसको करेंगे तो वन अपॉन टू, इसको करेंगे तो वन अपॉन सिक्स और इसको करेंगे तो माइनस का वन अपॉन थ्री। इस तरह से हम लोग ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो साथियों हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसी तरह से अगर प्रारंभिक संक्रिया से आपको अगर क्वेश्चन नहीं दिया गया है तो आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा यदि आप 8 के 8 नंबर पाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में साथियों हम लोगों ने यह देखा कि जो आव्यूह से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने एक एक करके यहां पर कवर किए हैं और कोशिश की है कि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो साथियों आप लोगों से एक अंतिम रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निवेदन करें कि वो चैनल को और प्रमोट करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और जिन बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम है उन बच्चों को ही दिमाग में रखकर हम लोग यहाँ पर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।